सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की हमारी वीडियो है लास्ट रैंक टू गेट एडमिशन इन डीयू। यार, अगर आप डीयू जेट एग्जाम दे रहे हो तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हमारे को एटलीस्ट कितनी रैंक चाहिए जिसमें हमारे को शहीद सुखदेव कॉलेज मिल जाए, या फिर ऐसा तो हो कि हमारे को कम से कम कोई ना कोई कॉलेज तो डीयू का मिल ही जाए, तो उसमें हमारे को कितनी मिनिमम रैंक चाहिए। तो यार वो ही मैं आज आपको बताऊंगा। एंड ये वीडियो डिवाइड होगी दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको, ये फर्स्ट हाफ में आपको बताऊंगा मैं कि जो एडमिशन लिस्ट आपकी आती है, तीन आई थी पिछले साल, तो उसमें थर्ड लिस्ट में लास्ट रैंक कितनी गई थी शहीद सुखदेव कॉलेज के लिए, या फिर किसी भी कॉलेज के लिए, अगर आपको एंड में कोई भी कॉलेज चाहिए तो उसके लिए क्या लास्ट रैंक थी वो बताऊंगा। एंड सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगा मैं, यहाँ पे इसी वीडियो के सेकेंड हाफ में बताऊंगा कि जो स्पॉट एडमिशन होता है वो जो है यहाँ पे प्रॉपर आपका कौन सी लास्ट रैंक गई थी स्पॉट एडमिशन में, जिसमें एडमिशन यहाँ पे मिल गया था। एंड यार जो आप सोच रहे हो काफी हद तक आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी रैंक का टारगेट रखना है फॉर योर डिजायरेबल कॉलेज। तो अब बात करते हैं हम इसी वीडियो के बारे में। तो एक रिक्वेस्ट है कि यार देखो पूरी वीडियो को ध्यान से देखो, बिना किसी स्किप करे, बिकॉज यार अगर आप स्किप करोगे तो आपके मन में डाउट रह जाएंगे एंड यार वो चीज अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखो एंड ये चीज को अच्छे से समझो। तो हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो बात करें यहाँ पे हम सबसे पहले उस कॉलेज के बारे में जिसके लिए आई थिंक सो 99% बच्चे जो डीयू जेट एग्जाम देते हैं वो इसी कॉलेज के लिए डिजायर करते हैं, एंड वो यहाँ पे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। यहाँ पे देखो यार बात करें, यहाँ पे जो थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आई थी यहाँ पे, तो उसमें जो लास्ट रैंक थी शहीद सुखदेव कॉलेज के लिए वो क्या थी कैटेगरी वाइज, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए कि कितने जो है आपको मिनिमम रैंक चाहिए यहाँ पे शहीद सुखदेव कॉलेज में एडमिशन के लिए इन थर्ड एडमिशन लिस्ट, तो वो यहाँ पे थी 185 रैंक। तो 185 रैंक में 2020 में यहाँ पे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज मिल गया था यहाँ पे थर्ड एडमिशन लिस्ट में। अब बात करें यहाँ पे अगर हम कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका जो ओबीसी नॉन क्रीमी 3746 रैंक में मिल गया था, एससी यहाँ पे आपका 6967 रैंक में मिल गया था एडमिशन, एसटी में यहाँ पे 15642 रैंक तक में मिल गया था एडमिशन, एंड फॉर ईडब्ल्यूएस जो गया था यहाँ पे था 2490 रैंक तक इजीली यहाँ पे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज मिल गया था थर्ड एडमिशन लिस्ट में। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे कि जो थर्ड आपकी अलॉटमेंट लिस्ट है उसमें यहाँ पे कैटेगरी वाइज इतनी इतनी रैंक लास्ट गई थी जिसमें यहाँ पे शहीद सुखदेव कॉलेज जो है अलॉट कर दिया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पे हम फॉर एनी कॉलेज की, अगर आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए तो आपको कितनी मिनिमम रैंक चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पे अनरिजर्व के लिए, तो वो यहाँ पे गई थी 1479 रैंक। तो 1479 जो रैंक थी वो लास्ट रैंक थी यहाँ पे थर्ड एडमिशन लिस्ट में, एंड ये थी फॉर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के लिए, एंड ये थी फॉर बीबीई कोर्स। तो आप देख सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे जो फॉर ओबीसी जो लास्ट रैंक गई थी वो यहाँ पे बॉयज के लिए भीमराव अंबेडकर कॉलेज में थी 10,308 रैंक लास्ट, एंड जो यहाँ पे लक्ष्मीबाई कॉलेज है वो यहाँ पे 10,490 रैंक में यहाँ पे गर्ल्स को अलॉट कर दिया गया था। अब बात करें यहाँ पे हम फॉर एससी, तो यहाँ पे जो लास्ट रैंक गई थी वो थी 13,387 फॉर भीमराव अंबेडकर कॉलेज एंड 13,455 फॉर लक्ष्मीबाई कॉलेज। अब बात करें यहाँ पे हम अगर एसटी के लिए, तो यहाँ पे एसटी के लिए जो गई थी वो यहाँ पे थी 15,642 रैंक, एंड यहाँ पे फॉर ईडब्ल्यूएस जो गई थी लास्ट रैंक 8,203 फॉर भीमराव अंबेडकर कॉलेज एंड 9,609 फॉर लक्ष्मीबाई कॉलेज। एंड यहाँ पे ये बात कर लिया हमने अलॉटमेंट लिस्ट जो थर्ड थी यहाँ पे, यहाँ पे अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल जाए तो आपको इतनी रैंक में यहाँ पे कोई ना कॉलेज तो मिल जाएगा इस साल भी। एंड फॉर सिख माइनॉरिटी यहाँ पे लास्ट रैंक जो गई थी वो थी 7,099। तो यहाँ पे ये थी लास्ट रैंक यहाँ पे थर्ड एडमिशन लिस्ट फॉर यहाँ पे जो है भीमराव अम्बेडकर कॉलेज के लिए फॉर बॉयज एंड लक्ष्मीबाई कॉलेज के लिए यहाँ पे फॉर गर्ल्स। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो प्रॉपर रैंक्स। अब बात करते हैं यहाँ पे हम उस चीज के बारे में जिसके लिए काफी आप लोगों को पता होगा एंड काफियों को नहीं पता होगा, एंड वो यहाँ पे आपका स्पॉट एडमिशन राउंड। देखो स्पॉट एडमिशन राउंड कब होता है, तो लास्ट ईयर ये थर्ड एडमिशन लिस्ट के रिलीज होने के बाद आया था स्पॉट एडमिशन राउंड, एंड उसमें भी काफी चार से पांच लिस्ट यहाँ पे आई थी आपकी स्पॉट एडमिशन की, एंड उसमें भी जो सीटें बच जाती हैं उन्हीं को जो है स्पॉट एडमिशन में जो है अलॉट की जाती है स्टूडेंट्स को उनकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो बात करें यहाँ पे स्पॉट एडमिशन की,
तो लास्ट ईयर यहाँ पे स्पॉट एडमिशन जो लास्ट राउंड हुआ था अराउंड फोर्थ जो लिस्ट थी यहाँ पे, तो उसमें जो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए जो प्रॉपर यहाँ पे लास्ट रैंक गई थी वो यहाँ पे थी 3921 रैंक फॉर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, एंड यहाँ पे जो फॉर गर्ल्स गई थी वो यहाँ पे थी 7918 रैंक फॉर लक्ष्मी बाई कॉलेज। तो यार आप देख सकते हो कि अनरिजर्व के लिए भी यहाँ पे काफी चांसेस रहते हैं स्पॉट एडमिशन में, यहाँ पे जो है काफी अच्छी खासी रैंक में। लास्ट ईयर ये ट्रेंड देखा गया था, अदरवाइज 2019 में तो जो इतनी ज्यादा रैंक नहीं पहुंची थी, बहुत अराउंड 2400 2600 तक ही पहुंची थी, बट लास्ट ईयर 2020 में जब ऑनलाइन था सब कुछ, तो यहाँ पे काफी ज्यादा रैंक में भी प्रॉपर आपको जो है एडमिशन मिल गया था काफी डिसेंट कॉलेजेस में भी, एंड ये यहाँ पे है फॉर अनरिजर्व। अब बात करते हैं यहाँ पर हम फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी, तो यहाँ पे जो है प्रॉपर अगर हम बात करें यहाँ पे गर्ल्स के लक्ष्मीबाई कॉलेज में, तो वो यहाँ पे गई थी 14869 रैंक। तो ओबीसी नॉन क्रीमी में यहाँ पे 14869 रैंक में भी यहाँ पे लक्ष्मीबाई कॉलेज मिल गया था गर्ल्स को, एंड यहाँ बात करें अगर हम फॉर बॉयज, तो यहाँ पे जो है 13980 रैंक गई थी फॉर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज। ये बात हो गई यहाँ पे ओबीसी एनसी के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे हम फॉर एससी, तो यहाँ पे जो लास्ट रैंक गई थी ये गई थी 16089 रैंक आर्यभट्ट कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे जो है 16000 अप्रोक्स रैंक में कॉलेज यहाँ पे जो है मिल गया था लास्ट राउंड में स्पॉट एडमिशन के। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है फॉर ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए जो यहाँ पे लास्ट रैंक गई थी फॉर अगर हम बात करें फॉर बॉयज, तो यहाँ पे जो लास्ट रैंक थी वो थी 12,759 रैंक, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज मिल गया था बीबीई के लिए। तो अराउंड यहाँ पे 13,000 से कम में 12,700 अप्रॉक्स रैंक में यहाँ पे आपको बीआरएसी कॉलेज यहाँ पे इजीली मिल गया था। अब बात करें यहाँ पे फॉर लक्ष्मीबाई कॉलेज, तो यहाँ पे जो लास्ट रैंक गई थी वो गई थी 15,043 रैंक, जिसमें लक्ष्मीबाई कॉलेज मिल गया था वो भी बीबीई के लिए। ये बात हो गई हमारी यहाँ पे फॉर ईडब्ल्यू। सब बात करते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे सिख माइनॉरिटी के लिए, तो यहाँ पे जो लास्ट रैंक गई थी वो गई थी यहाँ पे 15,781 रैंक, एंड ये गई थी श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज के लिए, एंड ये थी यहाँ पे बीबीई के लिए। तो ये बात हमारी यहाँ पे हो गई है स्पॉट एडमिशन राउंड। देखो यार मेन चीज यहाँ पर ये है कि स्पॉट एडमिशन में रैंक्स जो है काफी ज्यादा में जो है यहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कम रैंक में होता है स्पॉट एडमिशन राउंड, बट इट डिपेंड कि यहाँ पे कितने राउंड आते हैं। अगर जैसे लास्ट ईयर तो यहाँ पे 4 से 5 राउंड तक आ गए थे स्पॉट एडमिशन के, तो यहाँ पे जो है काफी आगे तक रैंक चली गई थी, बट अगर यहाँ पे 1 या 2 राउंड होते हैं, अगर सीटें ज्यादा नहीं बचती हैं, तो उस केस में मे बी ये रैंक में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो सकती है। बट यहाँ पे मैंने ये आपको डेटा बताया है 2020 का, जिसमें प्रॉपर ये सब यहाँ पे ट्रेंड चला है, यहाँ पे इन सभी रैंक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर एडमिशन हुआ है कैटेगरी वाइज। तो आई होप यार आपको काफी एक अच्छा यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि आपको कितनी रैंक का टारगेट रखना है, एंड मैं बोलूंगा देखो यार ये चीजें फॉर आपके प्रेफरेंस जो है एक सेट करने के लिए कि आपको कितनी रैंक चाहिए, एंड ये जस्ट यहाँ पे आप जो है एक तरीके से ग्रेन ऑफ अ सॉल्ट के तरीके से लो इसको, ज्यादा इतना मत सोचो कि आपको यही रैंक में इस साल भी एडमिशन मिल जाएगा, बट हाँ यहाँ पे जो है आपका जो है अराउंड यहाँ पे जो है कुछ फ्लक्चुएशंस होंगी, मैक्सिमम जो है काफी हद तक ये सेम रहेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर जो है 10% सीटें बढ़ी थी यहाँ पे, तो उस वजह से, और वो भी प्रॉपर वहां पे ऑनलाइन प्रोसीजर था, तो 2019 से लेके 2020 में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन आ गई थी। बट लेट्स सी कि यहाँ पे इस साल ये सेम रहेगा या फिर यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत चेंज आएगा या फिर बहुत चेंज आएगा, तो देखना जाएगा यहाँ पे। बट मेन चीज यहाँ पर यह है कि यहाँ पे काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है कॉलेज ग्रैब करने की, तो अगर आप एक अच्छी खासी मेहनत करते हो यहाँ पे, अच्छी रैंक ले आते हो, तो काफी अच्छे राउंड्स में आके आपको जो है इजिली कॉलेज मिल जाएगा। तो यार देखो ये मैंने सिर्फ आपके एक आइडिया लगाने के लिए बनाई थी वीडियो कि यहाँ पे कैसा ट्रेंड रहा था 2020 में, एंड अगर आपको खुद भी ये सारी लिस्ट चेक करने, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इन सभी जो है ऑफिशियल वेबसाइट के, यहाँ पे आपको सारे यहाँ पे जो है नोटिसेस मिल जाएंगे प्रॉपर फर्स्ट राउंड से लेके थर्ड राउंड, फिर स्पॉट एडमिशन के 4 राउंड, सबके जो है लिंक आपको वहां से मिल जाएंगे, तो आप खुद भी जाके वो चेक कर सकते हो। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।